पश्चिमी भाग में गंगा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर में ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर पग पग पर स्थित है। हम लोग इस शहर को सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच हुए 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध और बक्सर किला, जिसका निर्माण बिहार के राजा भोजदेव ने करवाया था, उस तौर पर जानते हैं। इस शहर की प्रसिद्धि रामायण काल से ही है, जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहारी विहार के आज के इस सेगमेंट में हम आपको बक्सर जिला स्थित उस पौराणिक स्थल रामरेखा घाट के सफर पर लेकर चलेंगे, जो आज के धार्मिक स्थल के तौर पर राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्ध है, जहां प्रभु श्रीराम ने ताड़का का वध कर स्त्री वध के दोष से मुक्त होने के लिए इसी घाट पर स्नान कर दोष मुक्त हुए थे। सनातन धर्मावलंबियों के जनजन में बसे भगवान राम ने वनवास से पहले भी अपने भाई लक्ष्मण के साथ देश के कई हिस्सों में भ्रमण किया था और शत्रुओं का विनाश किया था। सबसे पहले वे गुरुकुल गए थे और फिर उसके बाद ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ वे वन में गए थे, जहां उन्होंने ऋषि मुनियों द्वारा किए जा रहे यज्ञ को दानवों से बचाया। इसी दौरान विश्वामित्र के कहने पर प्रभु श्रीराम ने ताड़का का वध किया था। राम विश्वामित्र की बात मानते हुए गुरु के आदेशानुसार ताड़का का वध करने के लिए एक नए शस्त्र टंकार का आविष्कार करते हैं। टंकार एक ऐसा धनुष है जिसे खींचने पर असहनीय आवाज होती है, जो चारों तरफ हाहाकार मचा देती है, जिसे सुनकर जंगली जानवर डर कर भागने लगते हैं। इस सब के कारण ताड़का को क्रोध आने लगता है और जब वो राम को धनुष बाण से सज देख सोचती है कि यह राजकुमार विश्वामित्र द्वारा लाया गया है, इसलिए अवश्य ही मेरे साम्राज्य को तबाह कर सकता है, वो तेजी से राम के उस शस्त्र पर झपट्टा मारती है। राम को विश्वामित्र ने कई शस्त्र प्रदान कर इस भयावह युद्ध के लिए पहले ही तैयार कर रखा था। राम और ताड़का के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता है। अंत में राम ताड़का के हृदय स्थल पर तीर से आघात करते हैं और ताड़का पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर जाती है और अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरू उड़ गए होते हैं और भयावह वन वापस सुंदर राज्य में बदल जाता है। और बक्सर में बहने वाली गंगा का रामरेखा घाट वही स्थान है जहां कुछ समय तक उस वन की शोभा निहारने के उपरांत प्रभु श्री राम स्नान पूजन के लिए वहां पहुंचते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब ताड़का वध के बाद प्रभु श्री राम पर स्त्री वध का पाप लगा और उस पाप मुक्ति के लिए वो वहीं नज़दीक गंगा घाट पर गए और स्नान किया। उसी घाट के समीप प्रभु श्री राम ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और पूजा अर्चना की, फिर शिवलिंग को जल स्नान कराने लगे तो मिट्टी कच्ची होने के कारण बहने लगी। तभी श्री राम ने शिवलिंग के ऊपर हाथ रख दिया, फिर जल स्नान कराया, परंतु हाथ हटाने पर प्रभु श्री राम के हाथों की रेखा शिवलिंग पर अंकित हो गई और साथ ही उनके पैरों के निशान वहां की मिट्टी पर छप गए। तभी इस घाट को रामरेखा घाट कहा जाने लगा, क्योंकि रामरेखा घाट पे शिवलिंग आज भी अस्तित्व में है। यह घाट अपने आप में भक्ति और श्रद्धा के भाव को दर्शाता है। श्रद्धालु हमेशा से इस पावन भूमि पर आते हैं और पूजा करते हैं। यह देश के सबसे पवित्र भूमि में से एक है। भले प्रशासन इस घाट के सौंदर्यीकरण की ओर ध्यान नहीं दे रहा हो, लेकिन इस घाट की महत्ता सनातनियों को बखूबी पता है और प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ यहां हमेशा देखी जा सकती है। जब प्रभु श्रीराम को अपने ऊपर लगे दोष से मुक्त होने के लिए गंगा की जरूरत पड़ी, यह एक इकलौती ऐसी नदी है जिनके बारे में कहा जाता है कि देवता और असुर दोनों ही इनकी पूजा करते हैं। ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा सनातनियों के लिए कितनी पवित्र और विशेष स्थान रखती है। हिंदू धर्म के धार्मिक अवधारणों में गंगा को देवी के रूप में निरूपित किया गया है, यह हम सभी जानते हैं। यह मान्यता है गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है, यह भी हम लोगों को कुछ हद तक पता है। मरने के बाद लोग गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। यहां तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक है। पंचामृत में भी गंगा जल को एक अमृत माना गया है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम सभी गंगा को प्रदूषित होने से बचाएं, उसमें अनवांछित चीजों को डालने से बचें। नाला का पानी, कल कारखाना और अस्पताल से निकले कूड़े, बड़ी संख्या में मूर्ति विसर्जन, घर के पूजा स्थलों से निकले अवशेष, फोटो और मूर्ति आदि को गंगा में प्रवाहित कर देना, ये सभी गंगा के प्रदूषण का कारण है। ये सभी हमारे इस जीवंत धरोहर को प्रदूषित कर रही है। गंगा पवित्र थी, पवित्र है और पवित्र रहेगी, लेकिन गंगा आज स्वच्छ नहीं है। जरा सोच
सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब गंगा नदी का जल पवित्र होने के साथ साथ स्वच्छ भी था, यह उस समय भूमिगत जल का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं था। हिमालय की चोटी से हजारों जड़ी बूटियों के गुल लेकर पत्थरों से होते हुए समतल भूमि पर कल कल बहने वाली गंगा, जिससे लोग अपनी प्यास तो बुझाते ही थे, साथ ही इतना निश्चल जल कि आप अपना चेहरा भी उसी में देख लें। लेकिन आज जो गंगा की स्थिति हर जगह देखने को मिलती है वो काफ़ी चिंतनीय है। ऐसे में हम सभी का दायित्व बनता है कि जो गंगा हमारे लिए इतना मायने रखती है उसे संजो कर रखे, और ये तभी होगा जब हर व्यक्ति ये सोच ले कि आज से गंगा में कुछ भी अनवांछित चीज़ों का प्रवाह नहीं करेगा। गंगा को स्वच्छ बनाने की ओर एक कदम बढ़ाएं। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं तो सोचिएगा ज़रूर कि आपने अभी तक गंगा को स्वच्छ बनाने की मुहिम में कितना योगदान दिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।